हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल के फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और एक बार में सेलेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि सीएचएसएल का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा हाई था और इसमें वो क्वेश्चन भी पूछे गए थे जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। तो इस बार सीएचएसएल का लेवल देखते हुए ये भी हो सकता है कि जो सीजीएल का पेपर है टीयर वन का, वो आपका उसी लेवल का आए या उससे भी थोड़े एडवांस कोर्स मतलब क्वेश्चन आए उसमें से। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या आपका लेटेस्ट सिलेबस होगा, क्या रिवाइज सिलेबस है, इसमें कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ने चाहिए, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने दिया भी है कि सवाल अब किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे और लेवल क्या होगा, ये सारी बातें हम अभी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कि सबसे पहले आप लोग यह समझ लीजिए कि जो टीयर वन का पेपर है उसमें पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे, यह समझ लीजिए। तो टीयर वन एसएससी सीजीएल 2024 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और एक एक क्वेश्चन जो है दो दो नंबर का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 1 घंटे का टाइम होगा, निगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद देखिए कि क्या क्या आएगा, सेक्शंस इसके 4 होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए और कितने मार्क्स के होंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे जो 50 नंबर के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का जो ये वाला सेक्शन है इसमें 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। और देखिए अभी क्या है कि एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो जिनका लेवल अभी तक मतलब पूछा ही नहीं गया, इस लेवल का हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस टाइप के पूछे गए हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं और सीजीएल के लिए भी अब वो लेवल की तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी जिनको टीयर वन क्लियर करना है। लेवल को मेंटेन करते हुए वैसे ही क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन या उससे भी थोड़े एडवांस, वो सारे आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो अभी हम जो आपको डिस्कस करने जा रहे हैं ये जो सेक्शन 3 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का जो पार्ट है, जो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, इसके बारे में अब आपको डिटेल सिलेबस देने जा रहे हैं कि अगर आप सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो अब मैथ्स में अब आप लोग क्या क्या पढ़ें और कौन से टॉपिक पर फोकस करें, ठीक है। तो चलिए अब इसमें देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि 25 क्वेश्चन यानी कि 50 मार्क्स की, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखिए अभी तक क्या था, बेसिक से नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते थे, लेकिन सबसे पहले अब आप लोग एडवांस से स्टार्ट करिए, एडवांस मैथ से, और उसकी प्रैक्टिस भी करिए क्योंकि एग्ज़ाम टीयर वन का बहुत जल्दी हो जाएगा, सितंबर लास्ट या अक्टूबर में स्टार्ट होगा, तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है और अभी लास्ट डेट निकल जाएगी इसकी फॉर्म भरने की, इसके बाद आपके पास बहुत कम टाइम है टीयर वन क्लियर करने का। तो टीयर वन क्लियर करने के लिए आप लोग बेसिक से लेके हायर तक पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करना है तो एडवांस मैथ्स की प्रिपरेशन सबसे पहले करिए और उसमें भी किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हुए हैं उसके क्वेश्चन को देखने के बाद और सीएचएसएल का पेपर देखने के बाद सीजीएल का ये वाला वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले बात करते हैं एडवांस मैथ्स, ठीक है। एडवांस मैथ्स में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे और अभी तक पूछे गए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अभी इसमें भी कौन सा टाइप, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया कभी भी
और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 360 प्लस थीटा वाले, 270 प्लस थीटा वाले, यानी आपको जैसे निकालना है 540 डिग्री की वैल्यू, या टेन 270 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, या टेन 360 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले, ये सारे आपको करके जाने हैं। मतलब ये वाला टॉपिक करेंगे तो इसको जरूर करना है, ठीक है। और इसमें एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी होता है, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन टू ए, मतलब कि ये वाला टॉपिक जब ट्रिग्नोमेट्री आप करेंगे तो आपको ये वाले सारे टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले मैक्सिमम वो टॉपिक आप करिए जिसमें से दो या तीन क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएं, और उनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ज्योमेट्री। देखिए ज्योमेट्री जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेन फोकस आपको करना है सर्कल वाले क्वेश्चन में, जो सर्कल वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि मान लो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ये बना दिया, इसकी लेंथ पूछ ली, ठीक है, या फिर ऐसा कोई सर्कल बनाया और इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर थोड़ा डिस्टेंस पे बनाया, फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लें, ये इनकी लेंथ पूछ लें, तो ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं इस टाइप के, जो सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है ये वाला, तो इसके ये थ्योरम सारी करनी है, सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे। एक क्वेश्चन जैसे ऐसा भी आ सकता है कि ये लेंथ है, ठीक है, अब आपको ये लेंथ दी होगी तो ये निकालनी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जैसे ट्रायंगल दिया है, ठीक, ट्रायंगल के अंदर सर्कल दिया है, ये पूरी लेंथ दी है, ये पूरी लेंथ दी है, तो ये लेंथ निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर करने, क्योंकि इनमें से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, इसके वीडियो बनाकर भी अपलोड करेंगे, और लाइव क्लासेस भी आपके बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा देखिए ट्रिग्नोमेट्री हो गई तो ये जरूर करना है, ज्योमेट्री हो गई तो ये वाला पोर्शन जरूर करना है। इसके अलावा आपकी आती है एलजेब्रा, ठीक है। एलजेब्रा में देखो दो तरह के क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं। जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू दे दी 99, ठीक है, अब आपको बताना है एक्स की पावर 8 माइनस 100 एक्स की पावर 7 प्लस 100 एक्स की पावर 6, इस तरह से डैश डैश करके जो क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये वाले जरूर तैयार करिएगा। एक होते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू दे रखी है कुछ भी, और आपको बताना है एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ये वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं, ठीक है। तो ये जो टाइप्स हैं इसके क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, या फिर कोई भी वैल्यू दे दी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये भी पूरा एक मेथड है जिसमें 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे कंप्लीट करके जाने हैं। मतलब ये जो टॉपिक ऐसा है ना कि 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है, और 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे मेन। इसके बाद आपका आता है मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन। अब देखिए मेंसुरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि एक तो आता है कि मेल्ट करने वाला, कोई सिलेंडर मेल्ट कर दिया गया और उसको कोन में कन्वर्ट किया, तो उसकी रेडियस दी होगी या हाइट दी होगी, तो कुछ पूछा गया होगा, ये कर्व सरफेस एरिया भी पूछ सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस जरूर करिएगा इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, पेंटिंग वाले क्वेश्चन, जैसे एरिया ऑफ 4 बॉल्स हो गई, रूम को पेंट करना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है, तो कॉस्टिंग अगर दी है तो कितने टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले करने हैं, नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है, एक बड़ी बॉल से छोटी छोटी बॉल बनानी है और उसकी रेडियस दे रखी है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। या कोई दे दिया कि रूम है
उसका फ्लोर दे दिया, ठीक है, 2D और 3D दोनों की बता रही हूँ। जैसे 2D में लेंथ और ब्रेथ दे दिया है, और इसके बाद पूछा है एक स्क्वायर टाइल्स उसमें लगाने हैं, तो स्क्वायर टाइल्स कितने लगेंगे टोटल। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा। दो स्फेयर हैं, दोनों को मिला करके एक बड़ा स्फेयर बनाना है, उसकी रेडियस बतानी है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। या कोई बड़ा सा आधा भरा हुआ बाउल है, ठीक है, उसमें से हमको छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं या स्फेयर बनाने हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें कोन वाले क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। टेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, कॉस्ट निकालना। तो ये हो गया आपका मेंसुरेशन का 2D पार्ट, 2D और 3D दोनों, 2D और 3D को अच्छे से करिएगा। मतलब एरिया वाले क्वेश्चंस या फिर वॉल्यूम वाले, दोनों करने एंड करना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई एक गाय है जिसको लेंथ, जो भी लेंथ दे रखी है, ठीक है, सपोज इसकी दे दी 10 मीटर की रस्सी है, उस पर बंधी हुई है, तो अब पूछा गया कि कितनी एरिया की घास ये खा सकती है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया ऐसे, ये अब इसमें से भी देखिए 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब पहले तो आप ये वाले टॉपिक्स जरूर करिए, इसके बाद अगर आप करें तो बोट एंड स्ट्रीम करें, बोट एंड स्ट्रीम। अब देखिए बोट एंड स्ट्रीम में अभी तक क्या था कि जैसे CHSL का पेपर जो भी हुआ है 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक, इसमें जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर थे, कई बार क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का आता था, नहीं तो पूछा जाता था, एक क्वेश्चन पूछा जाता था। इस बार क्वेश्चन 2-2 पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में पूछे गए, मतलब जितने भी एग्जाम हुए, जितने दिन एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आया। तो 2 क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के, आप मान के चलिए कि इसके CGL में भी कुछ कुछ ऐसा ही पैटर्न रहेगा, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस जल्दी से बना के अपलोड करेंगे, उसकी रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ट्रिक्स के साथ बताएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए परसेंटेज, परसेंटेज, अब परसेंटेज में भी क्या, परसेंटेज में वोट के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर या तो दोनों वोट के पूछ लिए गए हैं, इलेक्शन एंड वोट वाले, ठीक है, इलेक्शन वाले क्वेश्चन, या फिर क्या पूछा गया है, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन इसके, या फिर दोनों का एक एक पूछा गया है, बता ऐसे आया है समझ लीजिए। तो परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो आपको क्या करना है, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, जैसे किसी सिटी में पॉपुलेशन 2 साल पहले इतनी थी, आज पॉपुलेशन ये है, इतने परसेंट रेट से बढ़ी, तो पहले की पॉपुलेशन क्या थी, इस टाइप के क्वेश्चंस वो सारे। और दूसरा इलेक्शन वाले क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ये करिएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन CP और MP से रिलेटेड, मतलब कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्काउंट गिवन होता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ जाएंगे। तो ये आ जाएगा टॉपिक आपका डिस्काउंट वाला, भी आपको टॉपिक करना है, ठीक है। परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस, देखिए प्रॉफिट लॉस में जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर क्या पूछा जाता है कि जैसे 2 आर्टिकल हैं, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, एक को X% प्रॉफिट में बेचा गया, दूसरे को X% लॉस में बेचा गया, तो टोटल ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है, या दोनों की कॉस्ट प्राइस दे दी है, तो ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं, ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ठीक है। या फिर कोई कोई सेलर है, ग्रीडी सेलर है, जिसने कोई आइटम मान लो बेचा, ठीक है, और हर किलो पे वो 40 ग्राम कम देता है, ठीक, हर किलो पे 40 ग्राम कम देता, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन। और परसेंटेज में और कैसे क्वेश्चन करने हैं, 4 केले की कीमत 50 रुपये है, ठीक है, मतलब एक बंदा 4 केले 50 रुपये की खरीदता है और 3 केले 10 रुपये में बेच देता है, उसको प्रॉफिट कितने परसेंट होगा या लॉस कितने परसेंट होगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो जरूर करके जाइएगा,
जरूर आएंगे ये एग्जाम में, ठीक है। तो दो तीन तो क्वेश्चन आप ये मान लो टोटल मिला के इनका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और परसेंटेज, इसमें टोटल मिला के आप मान लो 4 से 5 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ये करना है, प्रॉफिट लॉस करना है। अब इसके बाद देखिए आता है एवरेज। एवरेज यानी कि औसत, औसत के दो क्वेश्चन या तो एक भी पूछा सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें एक तो सिंपल औसत पूछते हैं, सिंपल मतलब कि कोई भी नंबर दे दिया या 1 से 50 तक एवरेज बताइए, ठीक है। या फिर पूछ सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे की एवरेज एज दे रखी है, तो वाइफ और बच्चे की दे रखी तो हस्बैंड की एज बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। या फिर पूछ सकते हैं कि 9 में 10 लोग हैं और 10 में से एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलो है वो उतर जाता है, उसकी जगह पे एक नया व्यक्ति आ जाता है और नए व्यक्ति का वजन बताओ, तो औसत बढ़ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग नए व्यक्ति का वेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन एवरेज में जरूर करके जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन तो ट्रेन का आता है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आता है आपका सिंपल वाला क्वेश्चन जिसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगता है, ठीक है। ट्रेन का क्वेश्चन भी जो आता है ज़्यादातर ये पूछा जाता है, दो स्टेशन है ए और बी के बीच की डिस्टेंस दी है, यहाँ से ट्रेन 7 बजे चलती है, यहाँ से ट्रेन 8 बजे चलती है, और इसकी स्पीड दे रखी होती है, इसकी स्पीड दे रखी होती है, पूछा जाता है कितने बजे मिलेगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सिंपल आता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, या कई बार पूछ लेते हैं कि सी का भी दे दिया, सी किसी काम को 25 दिन में करता है, तो तीनों मिलके करें तो कितने दिन में। ये तो हो गया सिंपल इजी वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है ए आज शुरू करता है काम, बी कल करता है, ए अगर अकेला करता तो उसको 15 दिन में करता, बी करता है अकेला तो 20 दिन में करता, लेकिन पहले दिन ए कर रहा है दूसरे दिन बी कर रहा है, तो टोटल काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो ये आपको करना है। इसके बाद कुछ रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसमें ए बी के रेशियो दे रखा है, बी सी का रेशियो दे रखा है, ए सी का रेशियो निकालना है, एक तो ये वाला क्वेश्चन। या फिर पूछ लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन क्या निकालिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए या मीन प्रोपोर्शन निकालिए, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। या फिर पूछ लेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन में जैसे क्या होता है कि फ्रैक्शन दिया है, इसके न्यूमरेटर में 10% इंक्रीज हो जाए, डिनोमिनेटर 15% डिक्रीज हो जाए, तो प्रीवियस फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। या फिर 2,440 रुपए को 3 लोगों में डिवाइड करिए और सबके अलग अलग पार्ट। और एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आएगा, जिसको जरूर करिएगा, क्वाइन वाला क्वेश्चन। पर्स के अंदर कुछ क्वाइंस है, कुछ 5 रुपए के क्वाइन, 1 रुपए के और 2 रुपए के क्वाइंस है, उनके रेशियो दिए होंगे, बताना होगा कि कितने कितने क्वाइंस हैं किसके। ये वाला क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार CHSL में भी आया है और पहले CPO में भी आया है, और उससे पहले भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, CGL में भी पूछा जा चुका है, तो ये टाइप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। इसके बाद अगर देखिए, अब मान लो हम बात करते हैं, पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में भी पूरा नंबर सिस्टम नहीं पूछा जाता, सब पूछते क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी डिजिट दे देंगे, पूछ लेंगे क्या ये 11 से डिविजिबल है, या क्या ये 99 से डिविजिबल है, या 24 से डिविजिबल है, इस टाइप का क्वेश्चन। या फिर कोई डिजिट दे देंगे, एक मिसिंग होगा, और पूछ लेंगे उसमें से कि ये जो डिजिट है वो 9 से डिविजिबल है, तो स्टार उसकी वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू क्या बताओ, मतलब जो मिसिंग है उसकी वैल्यू आपको निकालनी, मतलब डिविजिबिलिटी रूल जरूर करके जाइएगा इसमें, ठीक है। तो इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन कर लीजिएगा, बस इतना ही रिविजन करके जाइएगा और प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, ये सारे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं,
ये सारे टॉपिक के क्वेश्चंस हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, वीडियो अपलोड करेंगे, वोट का टॉपिक अलग। अभी हमने एक छोटी सी वीडियो अपलोड भी की है जिसमें वोट के क्वेश्चंस जितने थे वो सारे करवाए हैं, जितने हमको अभी मिल पाए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन ले करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन के क्वेश्चंस भी हमने एक वीडियो सेपरेट बनाया है, वो भी हमने अपलोड कर दिया, उसको भी देख लीजिएगा। और भी इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत जल्दी इस पे बेस्ड, प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड सारे क्वेश्चन बना के अपलोड करेंगे। और ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि मैथ्स का लेवल अच्छा खासा हाई होने वाला है, और इसमें जो क्वेश्चंस हम करवाते जाएंगे उतनी रिवीजन कर लीजिएगा, बस मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इतने टॉपिक से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस जो अलग अलग टॉपिक के हैं, जैसे पार्टनरशिप है, मिसलेनियस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो मिसलेनियस में लेकर के चलेंगे कि जो छूटा हुआ है वो उसमें कवर हो जाएगा। यानी कि जितने भी टॉपिक हमने बताए हैं वो सारे हम अब आपको चैप्टर वाइज वीडियो बना करके अपलोड भी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और लाइव क्लासेस भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे इसकी। और आप लोग पूरी क्लासेस भी देखिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारी मेल आईडी दी हुई है। और जितने भी इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया के लिंक हैं वो सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हम देंगे, और हमारे मोबाइल ऐप जो है उसका भी डिस्क्रिप्शन हम देंगे, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जीके के फ्री क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पेपर्स पड़े हुए हैं वो सारे आप देख लीजिएगा, रिवीजन करते जाइए, और आज से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। और हम आपके लिए 24/7 काम कर रहे हैं, और आप भी अपने लिए करिए, स्टार्ट करिए आज से। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो बिना टाइम वेस्ट किए आप बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।